बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल कुमार वस्ती भोपाल से आपके लिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 12 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत प्यारा सा लेक्चर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमारा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट ए हम करेंगे बच्चों। इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने आईपीसी नेमिंग जो मेन था वो पढ़ डाला है, नेम ऑफ द लाइजेंट्स पढ़े, कुछ सॉल्ट्स पढ़ डाले थे वहाँ पर जाई सॉल्ट्स वगैरह। आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो चलते हैं अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर नंबर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज़्यादा था। आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो ट्रिक होती है कैसे आप याद करेंगे, कैसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंट्स और बिग फील्ड लाइजेंट्स के बारे में बात करेंगे, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलो बच्चों अपन चलते हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स, कॉपी और पेन निकाल दीजिए। पहला पॉइंट आप लिखिए कि नंबर ऑफ लाइजेंट्स या फिर आप इसको बोलेंगे और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ CMA। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के जितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उनके जो नंबर हैं वो बराबर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर या लाइजेंट्स के नंबर के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ लाइजेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। दिस इज अवर वन फर्स्ट पॉइंट। चलो बच्चों सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपन। सेकंड पॉइंट पे हम लेते हैं जो वैकेंट ऑर्बिटल हमने जो लिए हैं सेंट्रल मेटल एटम के, इन सबको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो ऑल वैकेंट ऑर्बिटल हम इसको ऐसा लिखेंगे, ऑल वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बना लेंगे बच्चों, ये लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है अपने को कि जितने भी जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, एक तो पहली बात क्या हुई तुम्हारी, जितने वैकेंट उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल हैं जितने लाइजेंट्स हैं। जो लाइजेंट्स आए पास में, जितने लाइजेंट पास में आए, जैसे सपोज कीजिए, अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है हमें, ऐसा हम आपको समझाते हैं। के फॉर एफ सी एन ओ सिक्स है। अब मुझे बताओ जब ये प्राइमरी बैलेंस ही अलग हो गई तो आपके पास जो ग्रुप है वो ये वाला ग्रुप बचा हुआ है आपके पास, है कि नहीं ऐसा। तो कितने लाइजेंट इस मेटल के पास में है बताओ, सिक्स लाइजेंट। ये सिक्स लाइजेंट इस मेटल के पास में, सेंट्रल मेटल आइटम ये है, ये हमारा CMA है। तो इस CMA के पास में कितने लाइजेंट्स है, सिक्स। तो इस CMA के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होने चाहिए, सिक्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये सिक्स हमारे पास क्या होंगे, जितने लाइजेंट्स पास में आएंगे, नंबर ऑफ लाइजेंट्स या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, जितने लाइजेंट्स इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में आएंगे उतने ही इसके अंदर खाली ऑर्बिटल होंगे, ये कह रहा है वो। सेंट्रल मेटल एटम में उतने ही क्या होंगे, उसमें खाली ऑर्बिटल होंगे। ये पहला पॉइंट हमारे पास ये आया। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ऑल वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ CMA आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जितने भी यहां पर खाली ऑर्बिटल हैं वो सब आपस में मिल जाएंगे और मिलके क्या बना लेंगे, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है अपने को, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड पॉइंट लिखो कॉपी में। अब क्या होने वाला है, अब ये जब पास में आ गए इनके खाली ऑर्बिटल होंगे तो ये जो लाइजेंट्स हैं ये क्या करेंगे, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे, इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को। तो वो पॉइंट हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, लाइजेंट्स गिव्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स टू CMA। जो सेंट्रल मेटल एटम है
उसके खाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को लाइजेंड्स क्या करेंगे, लाइजेंड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे देंगे। तो बैकेंड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को सीएमए का जो खाली ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, डी या एस होगा, पी होगा, सब होगा, खाली ऑर्बिटल को जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है उसको लाइजेंड्स हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर क्या करेंगे, टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो छोटा सा मैंने इसे और लिखा हुआ है, ओ आर ऑर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या बनाएंगे बच्चों यहां पर, या तो फिर ये कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे और या फिर यहां पर क्या बना लेंगे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। चलो उतारो आप इसको, अगला वाला पॉइंट अपन लेके चलते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा यहां पर ये है, जब इसने अब हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वह डिपेंड करेगा कि कितने उसमें ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहां पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि यहां पर सपोज कीजिए एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर अपन यहां लिख देते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बताओ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहां पर। अच्छा sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, यहां पर 2 हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 3 हो जाएगी, या लाइजेंड्स 3 आएंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको पता है, ट्राइगोनल प्लेनर आपको मिल जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर यह स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3 हो जाएगा। या फिर जब sp3 होगा देखो, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, जो हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बहुत कम मिलता है, मिलता है लेकिन कम मिलता है। फिर दूसरा वाला, दूसरा होगा dsp2, देखो चार है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 प्लस 1 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे। यहां पर भी देखो 2 3 4 है, 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, तो क्या बन जाएगा यहां पर, यहां पर बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहां पर जो स्ट्रक्चर होने वाला है टेट्राहेड्रल ये हो गया, और डीएसपी टू है तो आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा आपका। याद है आपको स्क्वायर प्लेनर, याद आया स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यदि बच्चों यहां पर ये फोर्थ पॉइंट है आपका, ये आपका फोर्थ पॉइंट आ रहा है, यदि आपको यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 5 हमारा मिल जाए 5, तो sp3d बन जाएगा स्ट्रक्चर। जानते हैं sp3d किसका होता है, sp3d होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हमने लिखा हुआ था हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद यदि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, तो जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा आपका sp3d2 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो बच्चों या तो sp3d2 बोलेंगे अपन, या आप d2sp3 बोलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब 6 लाइजेंट्स आ रहे हैं, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने ही वो लाइजेंट्स आएंगे इसके पास में, कंपाउंड के पास में, सेंट्रल मेटल एटम के पास में, ठीक है। क्लियर पॉइंट है अपना, जैसे FeCN06 अपन ने बोला तो कितने लाइजेंट्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6 लाइजेंट्स आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर या तो sp3d2 होना चाहिए, d2sp3, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगा। तो 6CN इसके पास में आ रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल, जो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितने लाइजेंड इसके पास में आ रहे हैं, ठीक है। यदि मेरे पास यहां पर CuNH3 होल 4SO4 है, तो 4 लाइजेंड्स आ रहे हैं, तो ये 4 लाइजेंड वाला स्ट्रक्चर sp3 या dsp2 मिलेगा मुझे, इसका स्ट्रक्चर मेरा sp3 होगा या dsp2 होगा। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा इस लेजेंड के ऊपर, कि ये लेजेंड स्ट्रांग है कि वीक है, कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए आज मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूं ट्रिक, एक ट्रिक तुम्हें देने वाला हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की केमिकल सीरीज से ट्रिक दी थी, तो यहां पर आ जाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी मैं ट्रिक तुम्हें देने वाला हूं, CFT में काम आती है वो, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा कि ये डीएसपी टू बनेगा कि एसपी थ्री। तो इस पॉइंट को आप
चौथे वाले पॉइंट को आप यहाँ बता लीजिए, ये छः हैं, दो है तो एसपी लीनियर है, तीन है तो एसपी टू है ट्राइगोनल प्लेनर है, चार है तो हमारा एसपी थ्री है टेट्राहेड्रल है, और या डी एसपी टू है अंदर वाला डी खाली है तो स्क्वायर प्लेनर है, एस पाँच है तो तीन चार पाँच हो गए, फाइव हो गए तो एसपी थ्री डी है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिल गया, और सिक्स है तो एसपी थ्री डी टू तीन दो पाँच और एक छः है ना, या दो तीन चार पाँच छः ऑक्टाहेड्रल हमें मिल गया। तो फोर्थ पॉइंट पर हमें यहाँ पर ये चीज़ हमें मिल जाती है, छः हैं तो ऐसे छः मिल रहे हैं, चार हैं तो ऐसे चार हमें मिल रहे हैं, ठीक है। यदि दो हैं हमारे पास तो के ए जी सी एन होल ट्वाइस, ये हमने एक फॉर्मूला लिया था ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो उसमें सी एन हमें यहाँ पर दो मिले थे, दो वाला सी एन तो एस पी वो लीनियर स्ट्रक्चर्स का होगा, इसे स्ट्रक्चर्स हमें वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हैं बाय दिस हाइब्रिडाइजेशन, यदि हमारा हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है तो हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बैलेंस बाउंड थ्योरी हमें स्ट्रक्चर्स भी दे रही है, हाइब्रिडाइजेशन भी दे रही है, वो लेजेंड्स हम कैसे बनाते हैं ये सब हमें पता चल पा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला चौथा पॉइंट आप यहाँ पर उतार लीजिए, चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट पर। तो उतार लिया आप लोगों ने बच्चों, चलो तो अपन अब इसका पाँचवा पॉइंट अपन लेने वाले हैं। पाँचवा पॉइंट क्या है इसका? पाँचवा पॉइंट बच्चों ये है कि यदि अपन यहाँ पर अंदर वाला डी काम आ रहा है कि बाहर वाला डी काम आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि के फोर एफ ई सी एन होल सिक्स, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है, मैंने इसको देख के कैसे पता लगा लिया, क्योंकि ये सी एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड था इसलिए मैं देख के तत्काल पता लगा लिया। लेकिन मैं यदि यहाँ पर एफ ई एफ सिक्स मैं ले लेता हूँ, माइनस थ्री ले लेता हूँ, यहाँ पर वीक दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको बोल दूंगा ये एस पी थ्री डी टू है। तो इस पॉइंट को मैं पांचवें पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पांचवें पॉइंट में डिस्कशन में क्या जाता है द डी ऑर्बिटल, मैं क्या बोलता हूँ द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, क्योंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं ना हमें डी ऑर्बिटल, देखो दोनों, तो हम बोल रहे हैं द डी ऑर्बिटल्स, द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, हम बोलते हैं द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में यदि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मे बी इनर, यदि अंदर वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, मे बी इनर, अंदर है ना ये डी अंदर है, मे बी इनर, तो उसको बोलेंगे एन माइनस वन डी। एन माइनस वन डी मतलब कि जो एन होगा यहाँ पे थ्री डी इन्वॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे फोर डी बोलेगा, तो एन माइनस मे बी इनर एन माइनस वन डी और आउटर, आउटर तो ब्रैकेट में बोलेंगे अपन एन डी, मे बी इनर एन माइनस वन डी और आउटर ओ आर है ये आउटर एन डी ऑर्बिटल्स, एन डी ऑर्बिटल्स, एन डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उसको अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, तो इनर वाला यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा अंदर वाला यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो हम बोल देंगे उसको लो स्पिन। तो द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन में भी इनर और आउटर ऑर्बिटल्स देन कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन और लो स्पिन किसके लिए, इसके लिए लो स्पिन और इसके लिए हाई स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि ये अंदर वाला यदि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट के कारण, अभी कैसे पता चला, सीएफटी की ट्रिक देने वाला हूं। तो लॉन्ग यदि एसएफएल अंदर वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ बच्चों तो हम इसको बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लो स्पिन बनेगा, और यदि बाहर वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कौन सा बन जाएगा, हाई स्पिन बन जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्सेस बनने के बाद में ये पैरामैग्नेटिक नेचर को भी बताएगा, मतलब यदि हम सिक्स वाला पॉइंट ले लेते हैं तो जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स देन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अब हमें पता चल जाएगा कि यार यहां पर तो क्या परसेंट है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
अब कॉम्प्लेक्स में हमें पता चल जाएगा कि इसमें अनपिल, अब इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी तो पता चल जाएगा, तो मैं डी ले रहे हैं अपन डी टू एस पी थ्री, एक तो देखो तीन चार पाँच छः बन गए, छः थे ना तो छः बन गए, यहाँ पे छः थे देखो तीन दो पाँच और एक छः बन गए, ये बाहर वाला डी आ गया और ये अंदर वाला डी आ गया, छः तो बनना निश्चित है। अब छः अंदर वाला भी बन सकता है बाहर वाला भी बन सकता है, स्ट्रांग फील्ड है तो अंदर वाला बनेगा और वीक फील्ड है तो बाहर वाला। अब स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड की बात मैं तुम्हें याद करवाऊंगा ट्रिक देखिए, ठीक है। अब यदि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में कहीं पर भी, तो हम बोलेंगे वो पैरामैग्नेटिक है। व्हेन अनपेड परसेंट इन अनपेड कौन से इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड कौन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स परसेंट इन कॉम्प्लेक्स देन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एंड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स परसेंट इन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स परसेंट इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड डाइमैग्नेटिक। यदि आपको जो है क्या देखेंगे आप सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं डबल वाल है ना, डबल वाले इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या बोलेंगे वो डायमैग्नेटिक है। और यदि अलग अलग मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसमें अनपेड है तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों उतारिए इसको, उतार लिया बच्चों आप लोगों ने ना, चलो मिटा दूं मैं इसको। सिक्स क्लास सेवन पॉइंट पे चलते हैं, चलो अपन सेवन पॉइंट हमारा क्या है, सेवन पॉइंट पे बच्चों अपन लोग देखते हैं यहां पर कि जो सेवन पॉइंट हमारा होता है वो सेवन पॉइंट है हमारा कि ये जो हम लोग ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है कि हमने सिक्स पॉइंट पे देखा पेयर्ड है उससे हम लोग पता लगा लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो सेवन पॉइंट हमें लिखे हैं वी कैन आल्सो डिटरमाइन, देखिए डी ब्लॉक का जो एलिमेंट डी ब्लॉक का ये पॉइंट यहां भी आपको मिल रहा है वो डी ब्लॉक का पॉइंट है ये, वी कैन आल्सो डिटरमाइन, वी कैन आल्सो डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम एक नीचे एक फॉर्मूला देंगे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला है, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस टू, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ये बच्चों एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम लोग कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, और जो एन है यहां पर वो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है बच्चों वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, म्यू हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, एन हमारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। इस फॉर्मूले से अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि आपको मिल रहा है मतलब आपको मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लें, जैसे दो है सपोज कीजिए हमारे पास किसी का एन बराबर टू मिला तो हम क्या लेंगे बराबर रूट टू टू प्लस टू, तो हम क्या बोल लेंगे रूट टू फोर हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, फोर टू जा एट, तो हम बोल जाएंगे रूट एट, तो रूट एट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सेस। ओके जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन दो मिलेंगे, कितने मिलेंगे अपने को दो, तो उसको एन बराबर दो रख देंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ये, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे तो टू प्लस टू फोर, फोर टू सा एट हो जाएगा, तो वो रूट एट बोहर मैग्नेट्रॉन आपको मिल जाएगा। तो वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है बच्चों सेवन पॉइंट, एक एट पॉइंट में आपको और दे रहा हूँ स्टेबिलिटी का। सपोज कीजिए डी टू एस पी थ्री, एस पी थ्री डी टू है, डी टू एस पी थ्री को हम इनर बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, तो हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब डी टू एस पी थ्री इज मोर स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है sp3 d2 इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस,
तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इज मोर स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इज मोर स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ये हमें यहां पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट है जिसका अपन लोग अभी यूज करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल्स के अंदर। किसका यूज करने वाले हैं अपन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल के अंदर। उसके पहले कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूं और उन पॉइंट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल पॉइंट को, उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक अपन याद करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आप पहले लिख लो, ये पॉइंट लिखते जाओ आप यहाँ पर, उसका मैं आपको बोर्ड पे लिख के आपको देता हूँ, ठीक है बच्चों, उतारिए इसको आप। तो बच्चों ये स्पेशल पॉइंट्स इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बोर्ड पे आ चुके हैं हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बोर्ड पे लिख दिए गए आपके लिए। नंबर वन, एवरी मेटल आयन हैज ए फिक्स वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की किसी भी मेटल की फिक्स वैल्यू मिलती है। यदि जनरली अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लें तो प्लेटिनम प्लस 4, क्रोमियम प्लस 3, Mn प्लस 2, है ना, प्लस 2, आयरन प्लस 3, कोबाल्ट, कोबाल्टिक। यदि अपन बात करते हैं बच्चों तो फेरस फेरिक, कोबाल्टस कोबाल्टिक, मैंगनीज क्रोमियम प्लस 3 एंड प्लेटिनम प्लस 4 की हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें मिलती है। ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन कौन सा आयांस हमें देते हैं। तो ये जनरली हमें 3D जो सीरीज के जो आयांस होते हैं प्लस 2 वाले वो तो हमें देते ही देते हैं। तो हम 3D देखते हैं यहाँ पर, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 3D वाले भी देते हैं, लेकिन प्लस 3 वाले भी दे रहे हैं, कौन कौन से, 1, 2, 3, ये प्लस 3 वाले और प्लस 4 वाला प्लेटिनम प्लस 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें मिल रहा है। ये बात हमें पता है, दोबारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस पॉइंट को रिपीट किया गया है। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर टेट्राहेड्रल, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी में जो डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों भरे होते हैं 3d10, 4d10 एंड 5d10 एंड ns2 है, 3d10 है तो 4s2 होगा, तो डी ऑर्बिटल यहाँ पे भरे रहते हैं 3d10, 4s2, 4d10, 5s2, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मैं वीडियो दे चुका हूँ, वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं इसको 5d10 एंड 6s2। इन समय देखिए डी ऑर्बिटल भरे हैं और एस ऑर्बिटल भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल देते हैं। ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग लेजेंड जब इसके पास जाता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेजेंड जब इसके पास जाता है तो एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे चले जाते हैं, निकल जाते हैं, या फिर आयंस के फॉर्म में आता है तो ये एस के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। क्योंकि बच्चों यदि अपन इन दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लेस देन 3d, दैट्स वाई हम ये देखते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। तो जिंक Zn प्लस 2 होगा तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Cd प्लस 2 होगा तो 5s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Hg प्लस 2 होगा तो 6s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे हमें कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो S खाली हो जाएगा, P खाली है तो sp3, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तभी मिलेगा जब हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आपको sp3 मिलता है। एंड डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज अ डायमैग्नेटिक, तो बिकॉज इन जिंक कैडमियम मरकरी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 7%, ये बात हो गई। थर्ड वाले पॉइंट पे बच्चों हम लोग आते हैं स्पेशल पॉइंट पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वीक लेजेंड्स फॉर एग्जांपल हैलोजन, हैलोजन का जो वीक लेजेंड है ये फ्लोराइड, ये माइनस मैंने बोला, यहाँ पे मैंने कहा था ये वीक लेजेंड होगा, वीक फील्ड लेजेंड है यहाँ पर, तो ये जब वीक फील्ड लेजेंड है यहाँ पर तो क्या होगा, मैंने बताया था कि sp3d2 बनेगा। वही पॉइंट यहाँ पर ही हमें थ्योरी दे रही है कि जो हैलोजन होगा या वाटर होगा या ओएच माइनस आयंस होंगे, हैलोजन में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन यहाँ पे दिया गया है, वाटर हो सकता है, ओएच माइनस आयंस हो सकते हैं, डोंट कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये यहाँ पर जो फ्लोराइड आयन यदि इस Fe के पास में आएगा तो Fe के जो डी ऑर्बिटल हैं उसमें पेयरिंग नहीं करेगा, जो Fe के जो डी ऑर्बिटल हैं उसमें पेयरिंग नहीं करेगा, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है पेयरिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड एजेंट है, ये वीक फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। सो एनडी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए क्या होगा जब पेयरिंग नहीं होगी तो बाहर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एनडी मतलब बाहर वाला,
हाइब्रिडाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, जब बाहर वाला डी है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4sf, 4pf, 4d, बाहर वाला डी है, इसलिए या तो वह sp3d2 बनाएगा जो यहां बनाया गया है, या sp3d बनाएगा। बच्चों sp3d2 तब बनाएगा जब 6 लाइजेंट होंगे, जब 4 लाइजेंट होंगे यहां पर तो sp3d बना लेगा, 3, 4, 5 लाइजेंट होगा sp3d बना लेगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा और हाई स्पिन या फ्री स्पिन होगा। तो इस प्रकार से पॉइंट आप 1, 2, 3 ये पॉइंट्स आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। देखिए इसके बाद एग्जांपल चलेंगे, पर एग्जांपल चलने के पहले ये पॉइंट्स आपकी कॉपी में आने चाहिए, क्योंकि जो एग्जांपल करवाएंगे उनमें इनका यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बता लीजिए, फिर अगले इसमें बोर्ड के ऊपर आपके 3 पॉइंट मैं आपको और लिख के दे रहा हूँ, उनको अपन समझते हैं, ठीक है, उतारिए। तो बच्चों मैंने बोर्ड पे आपका 4, 5, 6 पॉइंट्स ले आया हूँ। अपन इस पॉइंट्स में देखते हैं, अमोनिया जनरली एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड्स। क्या बोलेंगे अपन इसको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड्स बोलेंगे। तो अमोनिया जो रहती है जनरली जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड्स का काम करती है, बट एक्ट एज वीक फील्ड लेजेंड्स फॉर Cr+2, Mn+2, Fe+2 और Cr+2। मतलब इसको याद कर सकते हैं फी को, है ना, कर्मन फी को, कर मन फी को, इसमें ऐसा अपन याद कर सकते हैं, कर मन फी को, कर मन फी को। यदि हम कर्मन फी को करेंगे तो उसके लिए वीक फील्ड एजेंट के रूप में ये अमोनिया काम करेगी। अमोनिया काम करेगी कर्मन फीको के रूप में, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है और कोबाल्ट है। कर्मन फीको, कर्मन फीको प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पे अमोनिया जो है वो वीक फील्ड लेजेंड में काम करेगी, बाकी सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड। एक पॉइंट। फिर पहला पॉइंट हमारे पास आज जनरली O- डोनर, जो O- डोनर होगा वो क्या करेगा? वीक फील्ड लेजेंड के समान काम करेगा, लेकिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड्स फॉर कोबाल्ट एंड कॉपर। कोबाल्ट Co+3 लेंगे बच्चों, उसके साथ यदि O- है तो वो काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड। किसका काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड्स का। Cu+1 है तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड का काम कर रहा है। जब हम 6 में F- लेते हैं बच्चों, फ्लोराइड आयंस, तो जनरली एक्ट एज वीक फील्ड लेजेंड। जैसे मैंने बताया यहाँ पर Fe F6-3 लिया, उस समय जो है ये वीक फील्ड लेजेंड में काम कर रहा है। लेकिन बच्चों क्या बोल रहा है? बट फॉर Ni+4, एक ही कंपाउंड है, एक ही एलिमेंट्स है Ni+4, वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड के रूप में काम करने लग जाता है। तो ये आपके 3 पॉइंट, आपके सम स्पेशल पॉइंट्स इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको और मिल रहे हैं। इन पॉइंट्स को बच्चों आप लिख लो, और उसके बाद जो है ये पॉइंट जैसे ही आप लिख रहे हैं कॉपी में लिख लेंगे, तो मैं आपको अब देने वाला हूँ बोर्ड पे आपको देने वाला हूँ ट्रिक। किसकी ट्रिक देने वाला हूँ? अब मैं देने वाला हूँ आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें CFT में जिसका यूज होता है, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हम लेके आते हैं। कौन सी ट्रिक है वो? इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर, इंडिपेंडेंट हो गया कनाडा और कोलंबिया। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ट्रिक पसंद ना आई हो, जैसे मुझे, मैं लगातार वीडियो में देखता रहता हूँ, तो मैं उन बच्चों को जिनको ट्रिक पसंद नहीं आई है वो अपनी पसंद की ट्रिक को लेके बैठे रहें, और जो इस ट्रिक के मार्फत कर पाए वो इससे करें, ठीक है ना। जो कर रहे हैं उनका जो मोरल है उनका बूस्ट रखें आप लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स हैं आपको उस लेवल पे आपको मिल रहे हैं कि आने वाला क्वेश्चन इनमें से आपको आने वाला है, उसका भी मैं वीडियो आपको दूंगा जब JEE आपका भी 2020 का हो जाएगा। तो कहाँ से, किस वीडियो से कौन सा क्वेश्चन आया है, मैं अपने बच्चे जो मुझे लाइक कर रहे हैं उन सारे बच्चों को वो मैं वीडियो पर बना के देने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। चलो बच्चों अब ट्रिक को ओपन करते हैं। ट्रिक कौन सी बताई मैंने आपको? इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, ठीक है, इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर, ठीक है। हाँ सर, नशा वशा की बात तो ठीक है, नशा नहीं करना है हमें, इंडिपेंडेंट हो गया कनाडा और कोलंबिया, ऐसा कुछ बनाया था। चलिए अब अपन इसको उतारिए फटाफट, फिर उसको ट्रिक को लेके आता हूँ बोर्ड के ऊपर मैं, उतारिए। तो बच्चों ये अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई आपकी, वीक लेजेंड I- ब्रोमीन हेलोजन, देखिए SCN- Cl,
एस माइनस टू एफ माइनस एन माइनस थ्री यूरिया OH एंड वाटर का जो लाइजेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग बराबर है, NCS आइसोथायोसाइनेटो EDTA हमारा EDTA इथाइल डायमिन टेट्राएसीटेटो ग्लाइसिनेटो अमोनिया प्रिडीन इथाइलिन डायमीन EN डाइप्रिडीन फेनिन नाइट्रेट आयन CN माइनस और CO। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दे दी। इसमें आपने अनुभव किया कि कार्बन पहले मिल रहे हैं आपको कार्बन, फिर नाइट्रोजन यहाँ पे मिल रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपको मिल रहा है ठीक है, उसके बाद आपको हेलोजन मिल रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग लेजेंड में यदि हम बात करते हैं तो कार्बन पहले फिर नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन वाला और उसके बाद हेलोजन वाला, ये आपको पहले मिल रहे हैं। तो ठीक है आप इसको उतार लीजिए बच्चों और आप इसको याद कर लिया होगा आप लोगों ने ठीक है ना, और उसको आप याद कर लेंगे। चलो अपन मिटा देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है, कर लिया मिटा दूं आ? हो गया याद, क्या हुआ नहीं हुआ याद, अब कर लो ना भैया याद, इसको क्या याद करने में, ऐसे लिखते जाओ जैसे मैंने लिख के दी थी आपको वर्ड पे, ऐसे आप भी लिख लो आ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेजेंड और वीक लेजेंड आपको मिल जाएगा। नहीं हो रहा है, चलो इसको अपन देखते हैं है? इसलिए अवस्थित सर से पढ़ना जरूरी होता है बेटा ठीक है। देखो क्या ट्रिक किया, पहले समझो आई इन कर दो, इन बहारों एसियन सचिन, इन बहारों सचिन सीएल मतलब कल, एस मतलब से, इन बहारों सचिन कल से, एफ माइनस मतलब फूल फूल बना दो, एन थ्री मतलब नहीं फूल नहीं, यूरिया मतलब उतरे, इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे ठीक है, ओ एच और एच टू तो याद हो जाएगा बीच में, एन सी एस माइनस को बोल सकते हैं बच्चों नशा है ना, नशा हुआ है ना, यू डी टी ए माइनस नशा हुआ, जी एल बाय गली में अमोनिया पी बाय मतलब पीकर, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर। चलो साहब इतने एलिमेंट्स हो गए, कितने हो गए अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एलिमेंट का आपका स्ट्रेंथ आपको पता चल गई। अभी इसको भी चाहिए अब अपने को, चलो इसको भी देते हैं अब आपको, ये लो ये वाला भी ले लो, इंडिपेंडेंट कर लो, ई एन है ना तो इंडिपेंडेंट ऐसा आपको याद हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बहुत सरल है, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हुए कौन से हो गए साहब, हुए सीएन कर लो कनाडा और कोलंबिया, इंडिपेंडेंट हुए कनाडा और कोलंबिया। तो इस प्रकार से ये ट्रिक आपको मिल जाएगी बच्चों, कोलंबिया कनाडा और कोलंबिया ठीक है। तो मैं समझता हूँ इस टाइप से आप ट्रिक होगी और आपको याद भी कर लेंगे आप। अब आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एलिमेंट्स आपको याद हो गए, इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर, इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर, और इंडिपेंडेंट हो गए हुए कनाडा और कोलंबिया। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद हो गई। तो इस टाइप से आप मैं समझता हूँ कि अवस्थित सर से आप पढ़ो और गालियाँ मत बको, याद करो ठीक है। चलो तो दिस इज ट्रिक टू लर्न स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फायदा क्या, देखो अब यहाँ पर ये देखो तुम्हें मैंने बताया जो अमोनिया है, अमोनिया कहाँ पे आ गया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लेजेंड में जा रहा है, कहीं पर ये वीक लेजेंड में काम करता है, उसके स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, एन सी एस स्ट्रॉन्ग लेजेंड, इथाइलिन डायमिन स्ट्रॉन्ग लेजेंड, डाइपिरिडीन स्ट्रॉन्ग लेजेंड, सी एन साइनाइड, साइनाइड का हम लोग बहुत यूज किया, के फॉर एफिशिएंट सिक्स में स्ट्रॉन्ग लेजेंड, सी ओ निकिल कार्बोनिल का हम लोग यूज करेंगे अभी स्ट्रॉन्ग लेजेंड, हम बात किया हमने फ्लोराइड की तो फ्लोराइड एफ ई एफ सिक्स माइनस वीक लेजेंड ठीक है। तो एक बार और इसको मैं आपको याद करवा रहा हूं, इन बहारों सचिन, इन मतलब आई माइनस
बाहरों मतलब बी आर माइनस, इन बाहरों सचिन एस सी एन माइनस, इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर इंडिपेंडेंट हुए कनाडा और कोलंबिया। ठीक है, अमोनिया पीनी है अपने को, है ना, अमोनिया पीकर। ठीक है बच्चों, तो इसको उतारो आप इसको, फिर आप अपने एग्जाम्पल में चलते हैं। अब एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला जो पार्ट ए है उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले एग्जाम्पल हम उठाने वाले हैं। ठीक है, फोर वाले एग्जाम्पल हम उठाने वाले हैं, सिक्स वाले एग्जाम्पल अपन पार्ट बी में करेंगे। तो ए में बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, उतारो फटाफट उतारो। तो बच्चों उतार लिया, मैं मिटा दूं फिर इसको। चलिए एग्जाम्पल को अपन आगे बढ़ाते हैं। इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर इंडिपेंडेंट हो गए कनाडा और कोलंबिया। यही भैया अपना गाना है और यही अपना बजाना है, गाना तो अपन ऐसे ही गाते हैं यार भाई। ठीक है, चलो अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल बच्चों। एग्जाम्पल नंबर वन है हमारा NaCl4-2। ठीक है, तो निकिल को देखो कैसे एटॉमिक नंबर चाहिए आपको, सकटिव कर्मन, सकटिव कर्मन फीको निकोजल, भैया एटॉमिक नंबर मिल रहे हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, क्योंकि 3D सीरीज के ही आपको ज़्यादातर एलिमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये 3D सीरीज के आपके एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3D सीरीज में निकिल मिल गया हमें 28। निकिल बच्चों यहाँ पर 28 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 एंड 4S2 होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X-4 = -2, तो X बराबर हो जाएगा +2, -4 यहाँ पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 में से -2 गया तो आपको मिलेगा +2 मिलेगा। मीन्स आपको दो इलेक्ट्रॉन बच्चों निकालने हैं, S की एनर्जी कम होती है, तो जब मैं यहाँ पर Ni+2 लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3D8 एंड 4S0। मतलब मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चलिए Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारा 3D8 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांच होते हैं डी ऑर्बिटल। फिर यहाँ पर हमारा एस जो खाली है, और यहाँ पे हमारा जाएगा पी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने लाइजेंड्स है, देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम वो पुराने वाले पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स अब रिपीट हम करेंगे। क्या बोला, जितने लाइजेंड्स यहाँ पर जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में CMA में, उतने ही उसके बैकएंड ऑर्बिटल हमें चाहिए। चलिए इसको पहले भर देते हैं अपन। जैसे हम इसको भरना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भर गया। अभी अपन मुझे बताओ कि Cl वीक लेजेंड है कि स्ट्रॉन्ग। सर ये वीक लेजेंड है, इन बाहरों सचिन कल से, कल मतलब क्लोरीन था, क्लोरीन इसे वीक लेजेंड में आ रहा था तो वीक लेजेंड है। तो वीक लेजेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो वीक लेजेंड यहाँ पर पेयरिंग नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा Cl- इसे वीक लेजेंड, तो नो पेयरिंग इज ऑकर, नो पेयरिंग इज ऑकर, कोई पेयरिंग नहीं होगी। ओके, अब बात समझ में आ गई आपको कि पहले एग्जांपल में हमारा हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं करेगा तो ये वैसे के वैसे रहेंगे, वीक लेजेंड था। अब आपके पास खाली कौन से हैं, खाली हमारे पास हुए एस, कितने आ रहे हैं, ओ फोर पी, ये खाली आ रहे हैं हमारे फोर, चार आ रहे हैं, तो चार जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं बच्चों ये क्या करेंगे, ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होने वाला है, ये चार के चार उनका 1, 2, 3 और 4 उनका सेम एक जैसा इनका आपका एनर्जी लेवल हो जाएगा, सेम एनर्जी लेवल। अब यहां पर जब सेम एनर्जी लेवल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब जो Cl जो है रहते हैं ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को दे देंगे 1, 2, 3 एंड 4 एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड। यही बात हुई थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यही बताया था अपने को कि ऑल एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
These hybridized orbitals, gain lone pair of electrons from the ligands to form covalent or coordinate bond. तो कौन सा hybridization हो गया? sp3 यहाँ पे कोई यहाँ पे देखो unpaired electrons are present. तो क्या हो जाएगा? ये paramagnetic nature, paramagnetic हो जाएगा. Paramagnetic क्यों हो जाएगा? sp3 hybridization paramagnetic in nature. क्यों? क्योंकि यहाँ पर unpaired electrons दो मिल रहे हैं. जब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो म्यू चाहिए तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट. बराबर क्या लोगे तुम? बताया 2+2 √(nn+2) होता है. तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? √8 हो जाएगा आपका. ऐसे आप पहला एग्जांपल में आप करेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन चलते हैं सेकंड एग्जांपल. इसको उतार लिया होगा आपने, उतार लिया 1, 2, 3, 4 उतार लिया. चलिए सेकंड एग्जांपल, अब अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल सेम है हमारे पास, NiCN4-2. सेकेंड एग्जाम्पल निकिल का. कौन सा एग्जाम्पल है? सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम NiCN4-2. देखो CN इज ए स्ट्रॉन्ग लेजेंड. CN कनाडा और कोलंबिया इंडिपेंडेंट हो गए. निकिल का देखते हैं अपन. निकिल का एटॉमिक नंबर हियर, ये सक्टिव कर्मन फीको निकोजल. देखो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, अभी तक नहीं पढ़ा है, ये सारे मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रायोरिटी टेबल 2 मिनट में याद करो. प्रायोरिटी टेबल अलग से दी है, सर के चैनल में भी दी हुई है पी ब्लॉक में. तो भैया करते जाओ, अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे? निकल यहाँ पर 28 है. सर हमें याद है, आप उपदेश मत दो. चलो ठीक है भैया, बाद में देंगे उपदेश. यहाँ पर x देख लो, x-4-2, तो x बराबर हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ से निकलेंगे, एनर्जी कम होती है. तो Ni प्लस टू में कितना होगा बच्चों? 3d8 एंड 4s0, 4pb0 होगा. अब यहां पे देखिए, जब d8 हमने कर दिया तो d8 में 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां पे आपका 4s हो गया, यहां पे आपका 4p हो गया. ठीक है, अब हमने d में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए. d8 में इलेक्ट्रॉन भर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए. अब यहाँ पर एस खाली है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि लाइजेंड कौन सा है. लाइजेंड आपका साइनाइड है. यदि साइनाइड लाइजेंड क्या करता है? स्ट्रांग है कि वीक है? साबित तो स्ट्रांग फील्ड लाइजेंड है. कैसे पता चला? इन बाहरों सचिन कल से फुल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर, इंडिपेंडेंट हो गया कनाडा और कोलंबिया. तो कनाडा में मतलब सीएन था, तो स्ट्रांग फील्ड लाइजेंड था. तो क्या हो जाएगा बच्चों? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड था तो पेयरिंग इज ऑकर, तो वहां पे क्या हो जाएगी? पेयरिंग इज ऑकर, पेयरिंग होने वाली है. चलिए पेयरिंग हो गई, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया. जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल खाली हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये हो गया हमारा 3D है ना, ये हो गया हमारा 4S और ये है हमारा 4P. तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दे रहे हैं. 1, 2, 3, 4, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा चुका है. 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए. हाउ मेनी लेजेंड्स, या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? हाउ मेनी लेजेंड्स आर अटैच्ड विद दिस ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल के साथ कितने लेजेंड जुड़े हुए हैं बच्चों? तो दैट इज 4. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. इसलिए यहां पर कितने यहां पर ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे? 4. 1, 2, 3, 4. ठीक है, वही बात होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. ये 4 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनको आप अलग कर दीजिएगा. तो हमने इनको अलग कर दिया. देखिए यहाँ से ये अलग हो गए, 1, 2, 3 अलग हो गए. ठीक है, ये यहाँ के ये 4 यहाँ पर अलग हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर एक ही अलग हो गया, 4p का एक बच गया. ठीक है, यहाँ पर d का एक हुआ, 1d, d का एक है, एक s का है और p के 2 हैं. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया बच्चों, इसको आपने बोला DSP2. DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, 2, 3, 4. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, 2, 4, 6 और 8. अभी जो लाइजेंड्स है CN- लाइजेंड्स, वो क्या करेंगे? वो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पर देंगे. देखिए 2, 4, 6, 8 दे दिए यहाँ पर. DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बड़ा सिंपल है. जैसे DSP2 बन गया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से. एक तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया DSP2. देखो इनर ऑर्बिटल बन गया, अंदर का डी ऑर्बिटल आ गया, तो यहाँ पर सब देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो गया? डाइमैग्नेटिक हो गया.
क्या हो गया बच्चों यहां पर, ये डायमैग्नेटिक हो गया डायमैग्नेटिक, डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन डायमैग्नेटिक हो गया, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए म्यू बराबर क्या हो गया आपका जीरो। ये तीन चीजें आपको एनआईसीएन होल फॉर माइनस टू में मिल गई, ठीक है, उतार डालिए इसको, उतार लिया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अपन लेना शुरू करते हैं, चलिए उतारा 1 2 3 4 उतार लिया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनआईसीओ होल फोर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन, वो है हमारा एनआईसीओ होल फोर, ठीक है। ला 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 ला। इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, ये गाना अपना बनने वाला है, ठीक है। एनआईसीओ होल फोर इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ये वाले एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि निकल वही सेम है, 28 मीन्स क्या हो गया 3d8 4s2 CO जो है क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग लाइजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग लाइजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंट होगा CO, पेयरिंग होगी, लेकिन यहाँ पर तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जीरो है, तो क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, हम ये देखेंगे कि जो S के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो D में आ जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है CO, इंडिपेंडेंट हो गए कनाडा और कोलंबिया, तो जैसे ही जाएंगे यहाँ पर तो S के इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे चले आए, S हमारा खाली हो गया और हमारा 4s खाली है, और आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास 4p भी यहाँ पर खाली है, तो 4s हमारे पास खाली है बच्चों, 4p खाली है 1 2 3 4, क्योंकि कितने लेजेंड्स हैं यहाँ पर देखिए 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, और ये सब के सब मिल जाएंगे और मिलके क्या बनाने वाले हैं 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इनका बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इनको दे देंगे एंड फॉर्म करेंगे कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो गया। स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मिलने वाला है टेट्राहाइड्रल, और यहाँ पर म्यू क्या है यहाँ पर जीरो, क्योंकि यहाँ पर सारे पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो गया, म्यू जीरो हो गया, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गया। तो दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपका 1 2 3 थर्ड एग्जाम्पल आपको ये कंप्लीट होता है बच्चों, इसको उतारे फटाफट, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों जल्दी उतारो। तो बेटा आप लोगों ने उतार ही लिया है इसको, अब अपन थर्ड के बाद फोर्थ वाला अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। चलिए फोर्थ वाला कंपाउंड हमारा कौन सा है, ZnNH3 होल फोर प्लस टू, फोर्थ कंपाउंड हमारा आ रहा है ZnNH3 होल फोर प्लस टू। चलिए NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लाइजेंट हम जानते हैं, NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइजेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब NH3 स्ट्रॉन्ग लाइजेंट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइजेंट हो गया NH3, तो पेयरिंग हो सकती है, वो अपन चेक करते हैं। जिंक का हमें पता है क्या होता है 3d10 एंड 4s2 होता है, आप जानते हैं यहाँ पर ZnX प्लस जीरो बराबर प्लस टू, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्लस टू मिलने वाली है, तो Zn प्लस टू पर चलेंगे अपन, दो से जो s ऑर्बिटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिएगा तो 3d10 एंड 4s0 हो जाएगा, 4s0 है तो बच्चों यहाँ पर 4p0 भी होगा, देखिए d10 यहाँ पर हो रहा है 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फील्ड, s में यहाँ पर खाली और p भी यहाँ पर खाली, अमोनिया 4 अमोनिया आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लेजेंड है लेकिन पेयरिंग करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर 4 लेजेंड से तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, sp3 4 ऑर्बिटल आप बना देंगे 1 2 3 एंड 4। अमोनिया क्या करेगा बच्चों, अमोनिया अपने यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पर दे दे गए किसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। ये अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिल रहा है, तो स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फोर्थ वाला एग्जांपल हमारा कंप्लीट होता है, उतार लीजिए फोर्थ एग्जांपल को आप। फोर्थ एग्जांपल के बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं फिफ्थ एग्जांपल पे। उतार लिया, मिटा दूं बच्चों, अपन देखते हैं यहां पर फिफ्थ एग्जांपल पे हमारे पास यहां पर CuNH3O4 बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास आने वाला है बच्चों। CuNH3 CuNH3 होल 4 एंड प्लस 2, ये थोड़ा सा स्टार एग्जांपल है, थ्री स्टार। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ होने वाला है स्पेशल टाइप का, इसमें कुछ स्पेशल टाइप का होने वाला है बच्चों। क्या? कॉपर देखिए यहाँ पर 29 एटॉमिक नंबर, 3D 10 एंड 4S1 होता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर प्लस टू हम ले रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 3D9 एंड 4S0 हो जाएगा और 4P भी यहाँ पर 0 होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप देखिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7, 8, 9 आपको यहाँ पर मिल गए। 4S में यहाँ पर 0 है और 4P में भी यहाँ पर 0 है बच्चों। यहाँ पर अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लेजेंड, आप जानते हैं जब अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेजेंड के रूप में, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड के रूप में है तो पेयरिंग करेगा, लेकिन पेयरिंग के लिए तो इलेक्ट्रॉन एक ही है यहाँ पर, फिर क्या करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन उड़ेगा बच्चों, और ये उड़ा और यहाँ पर जाके बैठ गया। जैसे उड़ के यहाँ पर जाके बैठ गया बच्चों, 4 लेजेंड से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, तो ये यहाँ पर खाली हो जाएगा ऑर्बिटल। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2, 2 यहाँ पर 2, 2 भर गए, 4s खाली हो गया, 4p के जो 3 थे उसमें एक में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब आपके यहाँ पर 4 जो आपके खाली ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पर इस टाइप से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और ये हाइब्रिडाइज होके क्या बना लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। इसका D, इसका S, इसके 2p, तो क्या बन गया बच्चों, DSP2। अब यहाँ पर जो अमोनिया है अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इसको दे देगा अमोनिया, NH3, NH3, NH3 इन्होंने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हुआ। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया हमारा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और साथ में क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर यदि स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक आपको मिला। व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यदि D10 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन केवल sp3 मिलता है, लेकिन D9 है और यहाँ पर दो टाइप का, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड है यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 मिल जाएगा, और वीक फील्ड लेजेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर उड़ नहीं पाता है, रिपल्शन इसका नहीं हो पाता है। ये कहते हैं रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, ऐसे CFT आगे जाके हमें बताती है। यहां पे यदि D8 हो बच्चों, और तब भी यहां पर यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड हो तो यहां पर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यदि वीक फील्ड लेजेंड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बाहर वाला अंदर वाला डी खाली नहीं कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड तो खाली कर लेता है पेयरिंग के कारण, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, लेकिन जो वीक फील्ड लेजेंड है वो खाली नहीं कर पाता है, तो एस और पी के ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल हमारा खत्म होता है, इसको आप यहाँ पर उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन चलते हैं बच्चों, और वो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है MnBr4-2। उतार लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। MnBr4 मतलब हैं, Br मतलब वीक की स्ट्रॉन्ग लेजेंड, तो सर ये तो वीक लेजेंड हो जाएगा हमारा, कैसे? MnBr4-2 बोला गया, तो ब्रोमीन के वीक लेजेंड क्या बोला, कल बहारों सचिन बोला था, याद हुआ?
इसलिए इन बाहरों सचिन कल से फुल नहीं होते। बाहरों मतलब बीआर, बीआर मतलब वीक लेजेंड, राइट। यस, तो सक्टिव कर्मन मैंगनीज आ गए, देखो 21, 22, 23, 24, 25 एटॉमिक नंबर 25, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर हो गया 25, 3d5, 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी, x माइनस 4 बराबर माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2, तो Mn क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि Mn प्लस 2 लेते हैं तो 3d5 एंड 4s0 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। 4s0 है तो 4p यहाँ पर 0 है, D में देखिए, D में 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4s देखिए यहाँ पर 0 हो रहा है और 4p यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर आपने यहाँ पर दे दिया D5 दे दिया। S0 यहाँ पर हाउ मेनी लेजेंड्स आर अटैच विद दिस सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज 4, तो 4 लेजेंड्स में ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब ये 4 लेजेंड हो जाएगा तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp3, है ना, तो ऐसे अपन sp3 लिए 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए br जो रहता है, br माइनस इज ए वीक फील्ड लेजेंड, इसलिए क्या करेगा बच्चों, नो पेयरिंग, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होने वाली है, नो पेयरिंग इज ऑकर, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होने वाली है, br माइनस इज ए वीक लेजेंड, दैट्स वाई नो पेयरिंग इज ऑकर, इसलिए आप चाहो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो वो नहीं जा रहे हैं, तो बाहर वाला जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जितने आपके पास लेजेंड्स हैं उतने ही, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है या लेजेंड्स हैं उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों sp3, स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल गया आपको टेट्राहाइड्रल, ठीक है, और यहाँ पर जो अमोनिया है 1, 2, 3, 4, ये जो अमोनिया चार हैं ये अपने क्या करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देंगे। यदि हम यहाँ पर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, वाई दिस इज पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहाँ पर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। म्यू निकालेंगे, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2, तो कैसे निकलेगा, रूट 5 एंड 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 7 हो जाता है, 7 5 35 का रूट कर लो, आंसर आ जाएगा म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये यहाँ पर इसके लिए कॉम्प्लेक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मैंने जो पार्ट है आपको बता रहा हूँ वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, मैं यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 6 वाला जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको वीडियो बना के दूंगा, ताकि उसमें फिर एग्जांपल अपन और आगे करेंगे, ताकि जब तक आप इसको यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट लेजेंड्स होंगे वो एग्जांपल अपन ले लेते हैं। मिटा दूँ मैं इसको, 1, 2, 3, 4 मिटा दो सर, चलो मिटा दो, इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर, और इंडिपेंडेंट हो गए कनाडा और कोलंबिया, ठीक है। चलिए, व्हेन डिफरेंट लेजेंड इज प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है बच्चों, यदि जब डिफरेंट लेजेंड यदि यहाँ पर पाए जाते हो तो उस समय आपको क्या करना है, PtNSCl2 देखिए, एक्स प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो पीटी यहाँ पर एक्स प्लस 2 के रूप में आपको मिलने वाला है, और उस समय जब प्लेटिनम प्लस 2 के रूप में आपको मिलने वाला है, वो प्लेटिनम किसके साथ होता है आप ये मुझे बताइए, प्लेटिनम यहाँ पर किसके साथ होता है, तो प्लेटिनम यहाँ पर किसके साथ होगा, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप यहाँ पर ले रहे हैं सक्टिव कर्मन फीको निकोजल, आप यहाँ पर ले रहे हैं या जरा नव मोटिक रूरापड अगकड, हैं आप यहाँ पे ले रहे हैं ला हफ्टा बरी ओस एर पट, अब मैं प्लेटिनम यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, अब यहाँ पे 28 था तो 3d8 एंड 4s2 था, आप यहाँ पे जा रहे थे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो प्लेटिनम में हम जब बात करते हैं तो 3d9 एंड 4s1 होता है प्लेटिनम का,
कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। जब आपको यहाँ पर 3D9 एंड 4S2 बच्चों यहाँ पर मिलता है, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ प्रोड्यू टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो इसी में वीडियो में देखिए आप, एक वीडियो डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, याद करवाया है, उसको देखो, उसको करो, फिर यहाँ पहुँचो। पी प्लेटिनम अब मैंने ले लिया यहाँ पर प्लस टू। चलो बच्चों प्लेटिनम प्लस टू ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, तो 3D8 एंड 4S0 हो जाएगा और 4P0 हमारा ऑलरेडी है। हम यहाँ पे देखते हैं दो लेजेंड्स हमें मिलते हैं। जब बच्चों दो लेजेंड मिलते हैं, एक हमारा है वीक फील्ड लेजेंड और दूसरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड, तो हम किसकी बात माने, वीक फील्ड लेजेंड की बात मानेंगे। देखिए यहाँ पर डी में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो गए। यदि मैं यहाँ पे पेयरिंग करवाऊंगा तो DSP2 बन जाएगा और यहाँ पर S एक है और P यहाँ पर 3 है। यदि मैं यहाँ पर इसकी बात मानूंगा अमोनिया की तो मैं पेयरिंग करवाऊंगा तो DSP2 बन जाएगा और यदि मैं क्लोरीन की बात मानूंगा तो ये SP3 बन जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको प्लेटिनम की मिल रही है, इम्पोर्टेंट एक इस टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आपके हाथ में आ रहा है। तो मुझे किसकी बात माननी चाहिए, मैं बात मानूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेजेंड की, है ना। स्ट्रॉन्ग की बात हमेशा मानते हैं अपन, दुबला पतला है वीक है उसकी क्या बात माने, हम तो हमेशा बात मानेंगे स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग की बात हम मानेंगे, स्ट्रॉन्ग की बात हमने मान ली तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2, 2 एंड 2, क्यों, 8 इलेक्ट्रॉन से यहाँ का यहाँ चला गया, 1, 2, 3, 4 पेयर बन गया, 4 2 8। देखिए डी का ये खाली हो गया आपका, एस हमारा खाली है पहले से ही और पी हमारे पास यहाँ पे 3 खाली है। कितने लेजेंड्स हमें चाहिए, देखिए 4 लेजेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बच्चों, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका बन जाएगा बच्चों DSP2, क्या बन जाएगा, 2, 3, 4 DSP2, ये हाइब्रिडाइजेशन बन गया 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो जितने भी अमोनिया हैं, 2 अमोनिया यहाँ पर और 2 क्लोरीन, अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसको दे देंगे और जब ये दे देंगे यहाँ पर तो ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। DSP2 मिल गया, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से DSP2 है तो स्ट्रक्चर हो गया बच्चों स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर हमने मिल गया स्क्वायर प्लेनर, और सब पेयर्ड है तो डाई मैग्नेटिक हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर डाई मैग्नेटिक हो गया, और जब डाई मैग्नेटिक हो गया तो म्यू बराबर आपको 0 मिल गया। इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अब आप किताब में से कहीं से भी क्वेश्चन जहाँ से मिले वहाँ से आप करते जाइए, आपसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सेकंड वीडियो अपन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।